हर स्टूडेंट की चाह होती है कि वह हायर एजुकेशन ले सके, अच्छी पढ़ाई करना चाहता है और रिसर्च करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बात हायर एजुकेशन के लिए होने वाले खर्चों पर अटक जाती है और छात्रों का सपना अधूरा रह जाता है। स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है, लेकिन हायर एजुकेशन करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सरकार कई सारे ऐसे फेलोशिप्स लेकर आई है। ऐसे कई सारे फेलोशिप्स हैं जो हायर एजुकेशन करने वालों को दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूँ आपके साथ जूहे सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं उन फेलोशिप्स के बारे में जो हायर एजुकेशन करने वालों को दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं एनी बेसेंट फेलोशिप की। एनी बेसेंट फेलोशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ एमएनईएस के अंतर्गत BHU की एक नई पहल है। इसका उद्देश्य PG के बाद PhD करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना है। अब जानते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के आखिरी साल में होना जरूरी है। इसके साथ ही 8.5 CGPA के साथ शीर्ष 5% में होना जरूरी है। छात्रों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक साल के भीतर GRF, NET, UGC, CSIR और इंस्पायर क्लियर कर लेते हैं तो उसे हर महीने यूनिवर्सिटी की ओर से कैश इंसेंटिव के तौर पर ₹5,000 मिलेंगे। वहीं अगर स्टूडेंट GRF नेट क्लियर नहीं कर पाता है तो ऐसे में उसे पहले साल में मिलने वाली फेलोशिप ही मिलेगी। हालांकि साल भर के अंदर में GRF क्लियर करने की अपेक्षा स्कॉलर से की जाती है। अब अगर स्टूडेंट दूसरे साल भी GRF नेट, UGC, CSIR और इंस्पायर क्लियर नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटी के तरफ से उसकी फेलोशिप में 50% की कटौती कर दी जाती है। साथ ही अगर किसी भी स्तर पर स्टूडेंट को PMRF यानी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप मिली है तब भी उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी फेलोशिप नहीं देगी। इस फेलोशिप के लिए 4 सदस्यों की टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि फेलोशिप के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है। अब दूसरी फेलोशिप के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहले नंबर पर प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप फॉर डॉक्टोरल रिसर्च है। इसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी, जिसे केंद्र सरकार संचालित करती है। यह फेलोशिप उन्हें दी जाती है जो साइंस टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में PhD करना चाहते हैं। दूसरी है फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप। 6 से 9 महीने तक PhD करने वाले छात्रों को दी जाती है। मशीन लर्निंग, हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ में PhD कर रहे स्कॉलर्स को मिलती है। साथ ही इसमें ट्यूशन फीस, इकोनॉमिक क्लास, एयर ट्रेवल के अलावा अन्य कई चीजें भी कवर होती है। तीसरे नंबर पर आता है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप। यह उन छात्रों को दी जाती है जो साइंस फिलोसफी में PhD करना चाहते हैं। इस स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन 2 साल की है। आपको बता दें कि इसके लिए अप्लाई करने वाले का पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है और उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथे नंबर पर आता है गूगल PhD फेलोशिप इंडिया प्रोग्राम, जो गूगल की तरफ से कंप्यूटर साइंस या फिर इससे संबंधित विषय में जो करना चाहते हैं उन्हें दी जाती है। इसके तहत मिलने वाले मंथली रकम के साथ गूगल में इंटर्नशिप करने का भी ऑफर मिलता है। इसके लिए छात्र का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होता है। इसके अलावा भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन में काम का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं अगली फेलोशिप की, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। यह फेलोशिप आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए डिजाइन की गई है, जो कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसका फायदा उन स्टूडेंट को मिल सकता है जिनके परिवार का सालाना आय 6 लाख रुपए से भी कम है। इसके तहत 5 सालों तक हर महीने 28,000 रुपए मिलते हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किए जाने वाले इस फेलोशिप का लाभ साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में एमफिल या PhD कर रहे हैं उन्हें मिलता है। ये कुछ ऐसे फेलोशिप्स हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर रिसर्च स्कॉलर्स को दी जाती है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। अभी के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।